प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे छंद। छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या है। छंद का अर्थ होता है बंधन या नियंत्रण। जिस प्रकार से हम गाय के दूध दोहने के लिए जो है एक रस्सी का प्रयोग करते हैं, उसे हम छान देते हैं, उसके पैरों को बांध देते हैं ताकि उछल कूद ना कर सके, उसी प्रकार से हम कविता को नियंत्रित करने के लिए जो है छंद का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है बंधन या नियंत्रण। अब परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या होगी, वर्ण मात्रा गति यति तुक तथा चरण से संबंधित रचना छंद कहलाती है। वर्ण का अर्थ यहाँ होता है अक्षर, इसे वर्ण से वर्णमाला बना है। दूसरा अर्थ होता है जाति। आर्यों ने हिंदू समाज को चार वर्णों में बांटा। इसका मतलब आर्यों ने जो है हिंदू समाज को चार जातियों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरीके से। वर्ण का तीसरा अर्थ होता है रंग। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिमबिंद मिले थे, लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। तो यहाँ वर्ण का अर्थ हो गया रंग। तो प्यारे छात्रों, वर्ण के तीन अर्थ होते हैं, अक्षर, जाति और रंग। लेकिन यहाँ हम प्रयोग करेंगे सिर्फ अक्षर, वर्ण का अर्थ अक्षर। अब हम दूसरा बात करेंगे, वर्ण के बाद आ रहा है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण में जो श्वास समय लगता है उसे हम मात्रा के नाम से जानते हैं। वर्णों को बोलने में जो हमें समय त्याग करना पड़ता है उसे हम मात्रा कहते हैं। यदि कम समय लगा तो हम लघु मात्रा, ज़्यादा समय लगा तो दीर्घ मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे लघु मात्रा के लिए आ, ई, उ आदि, दीर्घ मात्रा के लिए आ, ई, उ, ए आदि जो है चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अब लघु जो है मात्रा को दर्शाने के लिए हम पूर्ण विराम, अंग्रेजी में हम आई कह दें, इसका प्रयोग करते हैं। और दीर्घ मात्रा को दिखाने के लिए हम एस संकेत का प्रयोग करते हैं। लघु मात्रा की गिनती एक होती है और दीर्घ मात्रा की गिनती दो में होती है। लघु मात्रा को हम हर्ष के नाम से और दीर्घ मात्रा को गुरु के नाम से भी जानते हैं। अब वर्ण मात्रा हो गया गति। छंद को पढ़ते समय जो धारा प्रवाह होता है उसे हम गति कहते हैं। जो चढ़ाव उतार पाया जाता है वो क्या कहलाएगी, गति। अब यति क्या होता है, छंद को पढ़ते समय कहीं हम कुछ पलों के लिए रुकते हैं, कहीं जो है अधिक समय के लिए रुकते हैं, तो जो रुकने की प्रक्रिया है, विराम की जो अवस्था है, वह यति के नाम से जानते हैं। अब चरण क्या होता है, प्रत्येक छंद को हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, टुकड़े में खंडों में बांट देते हैं। तो प्रत्येक खंड या टुकड़े को जो है हम चरण के नाम से जानते हैं। तो छंद के अंत में जो समानता का भाव पाया जाता है उसे हम तुक कहते हैं। जैसे महावीर विक्रम बजरंगी हुकुमत निवार समिति के संगी, तो वहाँ रंगी अंत में आया और उसके नीचे क्या आ गया, चरण के अंत में संगी। तो यह क्या हो गया, तुक। कंचन वरण विराज सुरेशा और कानन कुंडल कुंचित केसा, तो वहाँ जो समानता का अंत में भाव आ रहा है ये तुक कहलाएगा। अभी हम अगले पार्ट में आपको डिटेल से बताएंगे और प्रयोग करके दिखाएंगे। देखें इस बार एक बार नोट कर लें, पढ़ देते हैं। छंद का अर्थ, छंद का अर्थ है बंधन या नियंत्रण होता है। परिभाषा, वर्ण मात्रा गति यति चरण तथा तुक से संबंधित रचना छंद कहलाती है। अब वर्ण क्या होता है,
वर्ण का अर्थ अक्षर रंग जाति आदि होता है। मात्रा, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। कम समय को लघु मात्रा जैसे अ ई उ तथा अधिक समय को दीर्घ मात्रा जैसे आ ई उ ए आदि कहते हैं। लघु मात्रा के लिए नीम गुण विराम कह दें या आई कह दें तथा दीर्घ मात्रा के लिए एस का प्रयोग करते हैं। लघु मात्रा की गिनती एक में करते हैं और दीर्घ मात्रा की गिनती दो में करते हैं। गति, छंद के अंत में जो धारा प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। यति, यति का अर्थ विराम या रुकावट होता है। चरण, छंद के प्रत्येक खंड को चरण के नाम से जानते हैं। छंद के प्रत्येक खंड को चरण के नाम से जाना जाता। तुक, छंद के अंत में जो समानता का भाव होता है उसे तुक कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं लेकिन आपको अध्ययन करना है सिर्फ दो, मात्रिक और वर्णिक छंदों का ही। देखिए, मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि। वर्णिक छंद, जिन छंदों में हम वर्णों या अक्षरों की गिनती करते हैं उन्हें हम वर्णिक छंद के नाम से जानते हैं, जैसे कवित, सवैया, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि। अब तीसरा पोर्शन आपका है मुक्तक छंद, जो काव्य वर्णों और मात्राओं के बंधन से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम मुक्तक छंद के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में जो भी रचनाएं की जा रही हैं मुक्तक छंद में ही की जा रही हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है कि मात्राओं की या वर्णों की गिनती समान हो, ऐसा नहीं है। सन 1916 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली लिखा है, तभी से जो है मुक्तक छंदों का प्रयोग किया जा रहा है और वर्तमान समय में मुक्तक छंदों की ही भरमार है। तो आपको अध्ययन करना है, जो भी आपके सिलेबस से प्रश्न आएंगे परीक्षा में वो मात्रिक और वर्णिक छंदों के अंतर्गत आएंगे, मुक्त छंद की जो है चर्चा नहीं की जाएगी। तो समझने के लिए देख लें, छंद के प्रकार, छंद निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है उन्हें, देखिए, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा आदि। वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कवित, सवैया, इंद्रवज्रा आदि। मुक्तक छंद, जो काव्य वर्णों तथा मात्राओं के बंधन से मुक्त होते हैं उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। वर्तमान समय में मुक्तक छंदों की ही रचना की जा रही है। तो प्यारे छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना आए।